देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। वेल दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे बात करूंगा कुछ ट्रेंडिंग स्टार्स के बारे में, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, और साथ ही बात करूंगा कैसे इन दिनों कुछ सितारे लगातार ही ट्रेंड में बने हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार लगातार ही ट्रेंड में बने हुए हैं अपनी फिल्म केसरी को लेकर, और साथ ही साथ लगातार ही वो ट्रेंड में हैं अपने बेटे आरव के ऊपर दिए गए एक स्टेटमेंट को लेकर। कैसा सलूक करते हैं अपने बेटे आरव के साथ, वो आज आप इस खास प्रोग्राम में जानेंगे ही। साथ ही आप ये भी जानने वाले हैं कि कैसे ट्विंकल खन्ना लगातार ही ट्रेंड में रही अपने एसटी मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड फंक्शन में पहुंचने को लेकर। जी हाँ, काफी खूबसूरत वो नजर आए। तो इसके अलावा आप जानेंगे कि कैसे नितारा और अक्षय को भी देखा गया था, और ये वीडियो लगातार ही कई हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी जानने वाले हैं कि कैसे अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट जो उन्होंने हाल ही में दिया है वो कैसे खबरों में रहा, और साथ ही साथ आलिया भट्ट का भी एक स्टेटमेंट चर्चाओं में रहा। हाल ही में अपने 16 साल के बेटे आरव को लेकर अक्षय कुमार ने बेहद बड़ी बात कही है। जी हाँ, ऐसी खबरें थी कि आरव भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन केसरी के एक्टर अक्षय कुमार ने अब इन बातों से पर्दा उठाया है। और आपको बताना चाहेंगे कि अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, आरव अभी सिर्फ 16 साल का एक बच्चा है जो अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहा है। अभी ना ही तो उसके करियर के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहिए और ना ही उस पर कोई भी प्रेशर बनाना चाहिए। अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि उनको लगता है कि पेरेंट्स का एक अलग तरीके का ही बर्डन होता है अपने बच्चों पर, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल ही क्लियर है। साथ ही साथ अक्षय कुमार ने कहा कि अगर मेरे बच्चे पेंटर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं पूरे तरीके से ठीक हूं, मैं पूरे तरीके से फाइन हूं। तो वहीं अक्षय कुमार ने भी कहा कि मेरे पापा ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम कराटे में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो और ब्रूसली बनना चाहते हो तो तुम बन सकते हो। बट लेकिन अक्षय कुमार ने ये भी बताया कि आज वही चीज काम आई ना मेरे। आपको बताना चाहेंगे कि अपने बेटे आरव को लेकर उन्होंने काफी सारी बातचीत की और बता दिया कि आरव का अभी तो कोई प्लान नहीं है। तो वहीं अपने बेटे के साथ कैसा सलूक करते हैं आप जान गए होंगे। जी हाँ, अपने बेटे को पूरा पूरा फ्रीडम देते हैं केसरी के एक्टर अक्षय कुमार। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म 100 करोड़ रुपए की कमाई से ज्यादा कर चुकी है, और साथ ही साथ फिल्म को अब भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और वहीं फिल्म की जितनी ज्यादा तारीफें की जा रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि 100 नहीं जल्दी फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। और ट्विंकल खन्ना को हाल ही में स्पॉट किया गया एचटी मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स 2019 पर, और यहां पर ट्विंकल खन्ना का एक अलग ही रूप देखने को मिला। जी हाँ, ट्विंकल खन्ना काफी ज्यादा जहां खूबसूरत नजर आई हैं, तो इसके अलावा ट्विंकल खन्ना यहां पर गोल्डन ड्रेस में नजर आई, और गोल्डन ड्रेस में ट्विंकल खन्ना जहां खूबसूरत लग रही थी तो वहीं मुस्कुराती हुई भी ट्विंकल खन्ना नजर आई। मिसेस फनी बोन्स अपने हमेशा से ही बेबाक अंदाज और साथ ही बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। तो वहीं अक्षय कुमार की पत्नी का इस बार एक अलग ही रूप वायरल हुआ है, जिसमें ट्विंकल खन्ना सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रही हैं एचटी मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स 2019 पर। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के जरिए ट्विंकल खन्ना का ये रूप, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ट्विंकल खन्ना बीते काफी दिनों से ही काफी ज्यादा खबरों का सिलसिला भी बनी हुई थी। जी हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हाल ही में अक्षय कुमार और बेटी निदारा के साथ भी उनको स्पॉट किया गया था। हाल ही में खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार को अपने परिवार के साथ देखा गया जुहू पीवीआर के बाहर। यहाँ पे अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटी निदारा के साथ स्पॉट किए गए। आपको दिखाते हैं कि नितारा कितने ज्यादा क्यूट अंदाज में यहाँ पर दिखाई दिए हैं और हाँ हेलो करती हुई दिखाई दी, और ट्विंकल के साथ वो कैसे दिखी। Yeah.
से सर। फिलहाल ही में अंकिता लोखंडे स्पॉट की गई हैं और अंकिता लोखंडे स्पॉट हुई हैं लॉन्च ऑफ वॉशिंग होल पर। यहां पर अंकिता लोखंडे ने काफी सारी बातचीत की है और साथ ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी बात की है। वेल मणिकर्णिका की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे जहां सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी पैचअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में थी, जहां खबर ये थी कि जल्द ही सुशांत और अंकिता एक फिल्म में नजर आएंगे और ब्रेकअप को भूल फिर से साथ आ जाएंगे। तो वहीं अब क्या बोला है अंकिता लोखंडे ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप बताइए कि कितना एंजॉय करने वाली हैं 12 फ्लोर क्लब? अभी से मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। नहीं, आई थिंक ये मेरे फ्रेंड सुवेद की जगह है एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी फॉर हिम कि उसके एक अच्छी जगह खोली है और आई एम वेरी श्योर ऊपर बहुत सारे एंटरटेनिंग चीज़ें हो रही हैं, फन हो रहा है, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो इस तरह के रेस्टोरेंट लॉन्च पर जब भी होती है तो मतलब तो आप आती हैं? अरे मेरी गाड़ी कहाँ, इधर लेकर आ रहे हैं शिवी भाई? यहीं से पार्क। अच्छा अच्छा, शिवी लग ना जाए इधर। हाँ, इस तरह के रेस्टोरेंट लॉन्च पर जब भी आप आती हैं कितना एंजॉय करती हैं, क्या कुछ फूड में क्या कुछ खाना पसंद? आई थिंक अभी तो मैं फूड्स पे नहीं हूँ क्योंकि मेरे फास्टिंग चल रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आता है। आई थिंक आई लव म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इज़ इन माय सोल एंड मुझे मज़ा आता है म्यूज़िक सुनने में, सो आई एम श्योर कि ऊपर बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा और बहुत मज़ा आएगा। आउटफिट ऐसा कुछ इतना है नहीं मुझे, बस ये पार्टी, ये आई थिंक इट्स अ वेरी स्प्रिंग लुक, अभी जैसा मौसम चल रहा है वैसे कपड़े पहने जाते हैं, सो आई थिंक आई एम लाइकिंग माई क्लोथ्स एंड आई होप आपको भी पसंद आए और आपको भी पसंद आए। समर को भी काफ़ी ध्यान रखा है? समर बिल्कुल, अब समर्स आ गए हैं, आपको क्या लगता है इतनी गर्मी हो रही है, आप इतनी मेहनत करके आप खड़े हुए इतना पसीना छूट रहा होगा, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहन के जाऊँ जो समरी फील दें। जी हाँ, हर कोई जानना चाहता है कि क्या धमाका करने वाली है आफ्टर मनी करने। मैं भी अपने आप को जानना चाहती हूँ कि मैं क्या धमाका करने वाली हूँ आफ्टर मनी करने का, बट जो भी होगा आई एम वेरी श्योर सबको बहुत अच्छा लगेगा और मैं जो भी करती हूँ आई थिंक मैं अपने आप को देख के जो मैं करना चाहती हूँ मैं हमेशा वो चीज़ें करती हूँ, सो आई एम रियली रियली होपिंग कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे करके मजा आए। थैंक यू। आलिया भट्ट ने ऐसा कर दिया है रणवीर कपूर के साथ कि आप भी जानकर शायद एक बार को हैरत में पड़ जाएं, जहां आप हम और सभी इस तरह से मान बैठे थे कि आलिया और रणवीर कपूर रिलेशन में हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन अब तो आलिया ने बहुत बड़ी बात कह दी है जनाब और आलिया भट्ट ने खुद रणवीर कपूर से रिश्ते पर बात की है। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आलिया भट्ट ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आलिया भट्ट ने रणवीर कपूर को अपना केवल एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया है। जी हाँ, बताया है अपना बहुत अच्छा दोस्त और रिलेशनशिप में रहने के लिए मना कर दिया है आलिया भट्ट ने। जी हाँ, मना किया है और आलिया ने कहा है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं बल्कि हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अक्षय कुमार के बेटे आरव को पूरे तरीके से आजादी है, वो जो भी करना चाहते हैं जैसे भी करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि पिता का अक्षय का बहुत अच्छा बर्ताव है अपने बेटे आरव के साथ। साथ ही साथ आपने जाना कि कैसे बेहद खूबसूरत नजर आए गोल्डन कलर के गाउन में ट्विंकल खन्ना। इसके अलावा आपने जाना कि कैसे कुछ और सितारे भी इस बार ट्रेंड में बने रहे। ट्रेंड में बनी रही नितारा के साथ अक्षय और ट्विंकल की एक वीडियो। ट्रेंड में बने रहे अंकिता लोखंडे के कुछ बयान, जहां अंकिता लोखंडे ने बताया कि मणिकर्णिका के बाद अब वो कई और प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे और ये प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों हमने बात की आपसे आलिया भट्ट के स्टेटमेंट के बारे में, कैसे आलिया भट्ट ने स्टेटमेंट में जो उन्होंने दिया है साफ कर दिया है कि रणवीर कपूर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये रिलेशनशिप नहीं है। वेल, अब इसके पीछे की सच्चाई तो बाद में ही पता लगेगी, अभी तो आलिया भट्ट का यही स्टेटमेंट है। वेल, ये थी कुछ खबरें जो कि लगातार ही ट्रेंड में बनी हुई थी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।